आपको फैनी कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है, इस कविता की लाइन वाइज व्याख्या करके बता रही हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में कवि ने ये बताया है कि उसकी मृत्यु अभी उसे प्राप्त नहीं होने वाली है। इसका कारण भी वह इस लाइन में बताता है कि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। उसके जीवन में अभी कोमल खुशियों का प्रवेश हुआ है, इसलिए कवि ये चाहता है कि उसे अभी मृत्यु नहीं आ सकती। नेक्स्ट पंक्तियों में वो वर्णन करता है, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, गात यानी शरीर, पात यानी पत्ते, हरे हरे ये पात यानी हरे हरे पत्ते हैं और डालियां हैं, कलियां खिली हुई हैं, कोमल गात मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, मैं मेरे जो सपने हैं उन पर अपना काम करूंगा और जो कलियां सो रही हैं उनको उनके साथ में सुबेरा देखूंगा, यानी प्रत्युषनी प्रातः काल का सामना करूंगा जो बहुत ही मनोहर होगा, मन को हरने वाला, मनोहर यानी मन को हरने वाला। अन्य पंक्तियों में वो कहता है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। जो भी पुष्प कलियों के रूप में सोए हुए हैं, तंद्रालस यानी जो निद्रा और आलस से सोए हुए हैं, उनसे मैं सारी सोने की लालसा खींच लूंगा, यानी जो उनकी सोने की इच्छा है उसे मैं दूर कर दूंगा और अपने जीवन में नव जीवन इसे कहा है, तो मैं अपने नव जीवन का जो अमृत है उससे इन कलियों को सहर्ष सिंचन कर दूंगा, सींच दूंगा यानी जैसे हम पेड़ पौधों में पानी देते हैं तो वो जागृत अवस्था में आ जाते हैं, उससे पहले वो सुबह सुबह जब रात्रि खत्म हो जाती है तो वो तंद्रालस होते हैं और जैसे ही सूर्य भगवान प्रकट होते हैं तो वो जागृत अवस्था में आ जाते हैं। इसी प्रकार से कवि ये कहता है कि हर पुष्प से मैं उसकी तंद्रा और आलस्य खींच लूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे भी जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। इस प्रकार से मैं उनको भी उनके रास्ते या द्वार दिखा दूंगा, वे मेरे अनंत रास्ते जो हैं, यानी अभी मेरे को बहुत लंबा जीवन जीना है, उन रास्तों से मैं उनको भी परिचित करवा दूंगा। इस प्रकार से इस कविता में कवि ने अपनी मृत्यु अभी नहीं होने की बात कही है। हरे हरे इस कविता में कुछ शब्दों का पुनरावृत्ति हुई है, जिस प्रकार से हरे हरे, पुष्प पुष्प, इनमें पुनरावृत्ति हुई है कविता के। हरे हरे ये पात वाक्यांश जो है, हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म और या क्रिया या विशेषण बहुवचन में हो, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है। तीन बेर खाती ते, वे तीन बेर खाती हैं, जो तीन बार खाती थी वह तीन बेर खाने लगी है।
एक शब्द बेर का ही दो अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया है। इसी प्रकार से कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का यानी जो मोती होता है, माला में मोती होता है, दोनों एक ही उससे बने हैं लेकिन अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है।